चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दें ताकि नए अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों आज का ही क्लास इंटरमीडिएट का क्लास होने जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि सिर्फ इंटरमीडिएट वाले लोग ही देखें, बाकी लोग ना देखें। ऐसे आपकी मर्जी, देखना है तो देखो, वोट करने दो। दोस्तों बोर्ड पर मैंने पहले से कुछ लिख रखा, ये हमारा इंटरमीडिएट का जो सीरीज चल रहा है क्लास का, इसमें मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सेकंड चैप्टर पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है मिडिल इंग्लिश, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड चैप्टर, द नेम ऑफ द सेकंड चैप्टर इज मिडिल इंग्लिश। उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बारे में पहले भी मैंने कुछ बताया था, उसका क्लास मैंने अपलोड किया था, तो चलिए उसके आगे देखते हैं। दोस्तों मैंने एक टॉपिक यहाँ पर लिखा है, डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। व्हाट इज दिस डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश? जो मिडिल इंग्लिश थे उसके प्रारूप। जैसा कि हम लोगों ने ओल्ड इंग्लिश पढ़ते समय इस बात का स्टडी किया था, इस बात पर ध्यान दिया था कि ओल्ड इंग्लिश के फोर डायलेक्ट्स होते थे। कितने डायलेक्ट्स होते थे ओल्ड इंग्लिश के? फोर डायलेक्ट्स। लेकिन जब बात मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स की आती है, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्स, देयर फाइव डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के पांच डायलेक्ट्स होते हैं, फाइव डायलेक्ट्स होते हैं। भाई कौन कौन है जरा एक बार देख लो। मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स है नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिस। ये डायलेक्ट्स है किसके? मिडिल इंग्लिश जमाने के। दोस्तों ओल्ड इंग्लिश के फोर डायलेक्ट्स होते थे, मिडिल इंग्लिश के फाइव डायलेक्ट्स होते थे। एक बार फिर मैं चर्चा करूंगा कि ओल्ड इंग्लिश के कौन कौन से फोर डायलेक्ट्स थे। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है ओल्ड इंग्लिश हैड फोर डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश के फोर डायलेक्ट्स थे, एक थे नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन, मर्सियन और कैंटिस। एक्चुअली 449 से लेकर 1066 तक की जो अंग्रेजी थी उसको ओल्ड इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, और फिर 1150 1150 से लेकर 1500 तक की इंग्लिश को मिडिल इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। तो जब मिडिल इंग्लिश आया तो ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट जो थे वही कन्वर्ट हो गए किसमें? मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट में। लेकिन थोड़ा सा चेंज आ गया, आप यहां पर देखो कि क्या चेंज है। तो ओल्ड इंग्लिश के जमाने में जो डायलेक्ट था, ओल्ड इंग्लिश के टाइम में जिस डायलेक्ट को हम लोग नॉर्थम ब्रियान के नाम से जानते थे वो बाद में नॉर्थर्न हो गया, वेस्ट सेक्शन साउथर्न में चेंज हो गया, मर्सियन दो भाग में बट गया, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड में, और केंटिस था वो केंटिस रह गया। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ओल्ड इंग्लिश, आई वांट टू टेल यू दैट ओल्ड इंग्लिश हैड फोर डायलेक्ट्स। जब मैं ओल्ड इंग्लिश की बात करता हूं तो मैं बता दूं कि ओल्ड इंग्लिश के फोर डायलेक्ट्स थे, वो फोर डायलेक्ट्स थे नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन, मर्सियन और केंटिस। और जब मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, आई वांट टू टेल यू दैट मिडिल इंग्लिश हैड फाइव डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश के फाइव डायलेक्ट्स थे नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और केंटिस। दोस्तों हुआ क्या कि मिडिल इंग्लिश जब आया ओल्ड इंग्लिश के बाद, तो ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट ही किसमें कन्वर्ट हो गए? मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट में कन्वर्ट हो गए। आप यहां इसमें देख सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का जो नॉर्थर्न ब्रियान था वो नॉर्थर्न बन गया, वेस्ट सेक्शन जो था वो साउथर्न बन गया, मर्सियन जो था वो ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड बन गया, और केंटिस जो था वो केंटिस रह गया। केंटिस में कोई चेंज नहीं है, देयर डिड नॉट कम एनी टाइप ऑफ चेंज इन केंटिस। तो ये हमारे डायलेक्ट है मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के। दोस्तों ये जो हमारा डायलेक्ट है मर्सियन से जो निकल के आया ईस्ट मिडलैंड, ये आगे चल के काफी यूजफुल साबित हुआ। जैसे हम, जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश को हमने टाइम पीरियड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड वी हैव डिवाइडेड इंग्लिश इनटू थ्री पार्ट्स। हमने अंग्रेजी को तीन भागों में बांटा टाइम पीरियड के आधार पर। एक हमारा ओल्ड इंग्लिश जो कि 449 से लेकर के 1066 है, दूसरा मिडिल इंग्लिश जो कि 1150 से लेकर के 1500 तक है, और मॉडर्न इंग्लिश जो कि 1500 से लेकर के और कब तक, अभी तक का है, जो मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब मिडिल इंग्लिश के प्रारूप की बात करते हैं तो ये फाइव है, ओल्ड इंग्लिश के फोर थे। ओल्ड इंग्लिश के फोर जो डायलेक्ट थे वो जाकर के किसमें बदल गए? फाइव में चेंज करके। ये जो हमारा है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ये आगे चलकर के फर्दर इंप्रूव्ड, वेरी यूजफुल, काफी यूजफुल साबित हुआ। और मॉडर्न इंग्लिश इसी से निकल करके आया, किससे आया? ईस्ट मिडलैंड से। किससे आया? मॉडर्न इंग्लिश। बाकी सब डायलेक्ट जो है वो डेवलप नहीं कर सका किसी भी कारण से, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। सिर्फ और सिर्फ जो डेवलप किया आगे चल करके मिडिल इंग्लिश के बाद, जो डायलेक्ट डेवलप किया वो था ईस्ट मिडलैंड, और ईस्ट मिडलैंड से निकल करके कौन आया है? मॉडर्न इंग्लिश आया। इसलिए यहां पर आप देख सकते हो, मैंने लिखा है कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। मिडिल इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। इसका मतलब हुआ कि मॉडर्न इंग्लिश जो था किससे निकल के आया था? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से निकल के आया था। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में, क्योंकि जैसे इंग्लिश हमारे पास आई थी, मतलब इंग्लैंड में आई थी 449 में, जर्मनी जो लोग थे, जर्मनी के निवासी थे एंग्लो सैक्सन, वो जो इंग्लिश लेकर के आए थे उनके पास अधिक मात्रा में वर्ड्स नहीं थे। उन जो इंग्लिश का वर्ड्स था स्लोली जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ था। तो ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स और मिडिल इंग्लिश के वर्ड्स में काफी अंतर थे। ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में ज्यादा वर्ड, मिडिल इंग्लिश के बाद मॉडर्न इंग्लिश में ज्यादा वर्ड। आज वर्ड्स हमारे पास जितने हैं ना, उतने पहले हमारे पास वर्ड्स नहीं हुआ करते थे। स्पेशली आई मीन टू से अबाउट ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश, वी डिड नॉट हैव एज मच वर्ड्स वी हैव टुडे, एज मेनी वर्ड्स वी हैव टुडे, वी डिड नॉट हैव इन द टाइम ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश।
हमारे मिडिल इंग्लिश और उडिल इंग्लिश के समान जमाने में उतने वर्ड्स नहीं थे हमारे पास जितने की आज है दोस्तों। तो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, हियर आई विल टॉक अबाउट मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी, वो मिडिल इंग्लिश के शब्दकोश के बारे में चर्चा करेंगे कि मिडिल इंग्लिश के शब्दकोश का क्या स्थिति था। इतना जान लो कि हमने इस बात पर चर्चा किया है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, मैंने पहले चर्चा किया है कि जब जब अंग्रेजी के इतिहास की बात आएगी तो दूसरी भाषा का अंग्रेजी में घुसपैठ के बारे में जरूर पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश का इतिहास जो है दूसरे भाषा के शब्दों का या फिर सिस्टम का अंग्रेजी भाषा में घुसपैठ होने का ही सिस्टम है पूरा। बार बार पहले का सिस्टम ही था, बार बार एक पार्ट, एक कोई कस्बा या फिर कोई कंट्री किसी को अपने पोजिशन में लेता था, फिर उसका वहां लैंग्वेज अपना लेकर के लैंग्वेज आता था, फिर धीरे धीरे उसी के लैंग्वेज के साथ मिक्स हो जाता था। तो इंग्लिश के साथ ऐसा बार बार हुआ है। ऐसा इसलिए कहा भी जाता है कि जब जब बात अंग्रेजी के इतिहास की आएगी, व्हेनेवर मैटर कम्स अप द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, द वन थिंग दैट कम्स बिफोर अस, एक चीज हमारे सामने आता हुए है कि रिपीटेशन हो रहा है किस चीज का, तो घुसपैठ का, बार बार घुसपैठ हुआ है। थोड़ा सा चर्चा उसी घुसपैठ के बारे में यहां पर करने वाले मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी के सापेक्ष में। द फ्रेंच इन्फ्लुएंस मतलब फ्रांस का जो प्रभाव था नॉर्मन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि चेन 66 में नॉर्मन्स आए थे और उनका एक कब्जा हो गया था लगभग इंग्लैंड पर, एंग्लो सैक्सन पर कब्जा हो गया था। तो फ्रेंच जो थे उनका शासन चला था कुछ दिनों तक, उनका काफी गहरा प्रभाव पड़ा था मिडिल इंग्लिश पर, स्पेशली उसने वर्ड मीनिंग को वोकैबुलरी को काफी प्रभावित किया था। तो अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस, यहां पर लिखा हुआ था फ्रेंच इन्फ्लुएंस वॉज ग्रेजुअल, मतलब फ्रांस का जो प्रभाव था, फ्रांस की भाषा जो फ्रेंच थी उसका जो प्रभाव था धीरे धीरे था बट सिग्निफिकेंट, बड़ा महत्व था ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो फ्रेंच भाषा था उसका जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, धीरे धीरे था लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था किस तरह अंग्रेजी भाषा पर। यहां पर लिखा हुआ फिर अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट अबाउट 10,000 कीवर्ड्स वर ब्राउज्ड ओवर द फ्रेंच, ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा अनुमान है कि एक बार में कम से कम 10,000 नए वर्ड्स जो थे वो लाए गए थे कहां से, फ्रेंच से, ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी अवधि के दरमियान, किस अवधि के दौरान, तो 13 से लेकर 14th सेंचुरी के दौरान, मतलब फ्रेंच जो थी वो फ्रांस की भाषा थी और फ्रांस की भाषा फ्रेंच का इंग्लिश पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि एक एस्टिमेट में लगभग 10,000 वर्ड्स जो थे वो लाए गए थे, फ्रेंच से आ गए थे अंग्रेजी में उस अवधि में, 13th और 14th सेंचुरी की अवधि में। आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट 75% आर यूज टूडे, और आप इतना जानो कि जो 10,000 वर्ड्स जो आए थे फ्रेंच भाषा से आए थे और किसमें आए थे, इंग्लिश में आए थे, मिडिल इंग्लिश के जमाने में आए थे, मिडिल इंग्लिश के टाइम में आए थे, उसमें से 75% वर्ड्स आज भी यूज होते हैं, 75% वर्ड्स आर यूज टू दैट, 75% वर्ड है। तो अंग्रेजी की जब जब बात आएगी, व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश वी मस्ट हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मेनी टाइम्स वी फाइंड दैट अदर कंट्रीज अदर लैंग्वेजेस इंटरप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, दैट उसी की कहानी है, इंटरप्शन की कहानी है। दुनिया की कई भाषाओं ने पीछे भी चर्चा किया है अंग्रेजी को काफी प्रभावित किया है, उस पर उसका इंटरप्शन रहा है। तो आज हमने मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स पर चर्चा किया और ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट के सापेक्ष में देखा कि ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट कैसे मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से निकल कर क्या है। इतने डायलेक्ट्स थे, देयर वर सो मेनी डायलेक्ट्स बट अदर डायलेक्ट्स डिड नॉट गेट डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, व्हाट मे बी द रीजन कुछ भी था, शायद दैट वाज जियोग्राफिकल रीजन या कुछ भी कंडीशन था, लेकिन जो प्रगति किया वो ईस्ट मिडलैंड प्रगति किया, मॉडर्न इंग्लिश बना, जो आज हम भारत में जो हमारे पास जो अंग्रेजी आई इंग्लैंड से आई, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दरमियान जो अंग्रेजी हमारे देश में आई वो जो आया था वो कहां से डेवलप होकर गया था, ईस्ट मिडलैंड से डेवलप होकर गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, याद दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए कुछ टॉपिक के साथ, फिर हम बताएंगे इसी मिडिल इंग्लिश को, अभी एंड नहीं कर रहा, मिडिल इंग्लिश एंड नहीं हुआ, इस पर और चर्चाएं होंगी और बातें करेंगे और इसको पढ़ेंगे, तो आप इसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर जरूर नोट कर लेना, इसको समझने की कोशिश करो, जब तक मैं अगला क्लास अपलोड नहीं करता तब तक के लिए।